brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar. Download the app now. पहला कॉमनवेल्थ गेम्स और पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है नीतू ने। इस वक्त हमारे साथ नीतू है, हरियाणा से आती है, भिवानी से, और बहुत ही चैलेंजिंग इनका सफर रहा था। नीतू, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको आपके इस अचीवमेंट के लिए। कॉमनवेल्थ गेम्स का क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल, कौन सा सबसे ज़्यादा आपको आसान लगा और कौन सा सबसे ज़्यादा टफ लगा? मतलब आसान कोई नहीं होता, किसी को भी इतने इजी में नहीं लेके जाना चाहिए। हर एक प्लेयर अपने में बेस्ट होता है और मैं अपना यही सोचती हूँ, मैं अपना 100% दूँ, किसी को भी मैं इजी लेकर नहीं चलती कभी भी। तो आप यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स में जो आपकी आज की जो बाउट थी उसमें आप बहुत ही ना समय समय पे कहीं कहीं पे आप एग्रेसिव नजर आ रहे थे, कहीं कहीं पे आप डिफेंस में भी थे, क्या प्लानिंग थी? क्योंकि यहाँ पर आपको पता था कि ये जो जीत है ये आपको गोल्ड मेडल दिलाएगी। जब मैं रिंग में जाने से पहले मैंने भास्कर चंद्र भट्ट सर, हमारे जो हेड कोच हैं, उनसे बात की कि मतलब कैसे खेलना है, तो उन्होंने बताया था कि वो हाइट में कम है तुमसे, तो थोड़ा अग्रेसिव ज़्यादा रहेगी, आगे बढ़ के अटैक करेगी, लेकिन साइड में जाके उस पर अटैक तूने भी ज़्यादा रखने हैं, तो मैंने वही फॉलो किया। नीतू, आप सपोर्ट सिस्टम हर एक खिलाड़ी के पीछे ना बहुत बड़ा एक जो होता है कि काम करता है। आपके पापा ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, उन्होंने अपने 3 साल की लगभग आसपास पे अनपेड जो है वो लीव ली, आपके साथ हमेशा कोचिंग में जाते रहे, एक दीवार की तरह खड़े रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? मुझे बहुत सपोर्ट मिला है मेरी फैमिली का और मेरे पापा का, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला है। उन्होंने विदाउट पे होके मेरी ट्रेनिंग करवाई इतने सालों से, और उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि भाई लड़की है तो नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, गेम में भी और डाइट में, हर एक चीज़ में बहुत सपोर्टिव है मेरे लिए। आपने जब बॉक्सिंग की शुरुआत की थी उस वक्त से ही आपके जो पापा हैं वो लगातार आपके साथ रहे हैं, हर सफ़र में आपका उन्होंने साथ दिया है। ये जो मेडल है, आप क्या बोलेंगे उनको, किस तरीके से आप उनको इस मेडल के बारे में बताएंगे? बहुत खुश है वो, ये मेडल देख के, गोल्ड मेडल देख के बहुत ही ज़्यादा खुश है। उन्हें यही फील हो रहा है कि उन मेरी जगह वही आए हैं, वही मतलब इतना खुश हैं कि वही लग रहा है कि हाँ उनके गले में ही है अभी वो मेडल, बहुत खुश हो रहे हैं अभी। बिल्कुल, ऑब्वियसली खुश होंगे, और क्योंकि इतनी मेहनत की है। अब नीतू का जो है अगला गोल क्या है, अगला टारगेट क्या है? अभी हमारे बहुत कॉम्पिटिशन है, आगे चलते रहेंगे, तो मैं अपनी ट्रेनिंग और अच्छी करूँगी पूरा फोकस से, और ऐसे ही देश के लिए मेडल जीतती रहूंगी। अपने थोड़ा सा सफर के बारे में बताइए कि आपने 12 साल की उम्र से बॉक्सिंग की शुरुआत की थी, आज आप कॉमनवेल्थ गेम्स खेल रहे हैं, इससे पहले भी आपके पास जूनियर का जो है मेडल है, कैसे आपका शुरुआत हुआ, क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या जो है बाधाएं आपने पार की यहाँ तक पहुँचने के लिए? मैंने 12 साल की उम्र में बॉक्सिंग स्टार्ट की थी, तो उस टाइम मैं गाँव से हूँ, धनाना गाँव से, भिवानी के धनाना गाँव से, तो वहाँ से मेरा सेंटर है जो मैं ट्रेनिंग करती हूँ भिवानी बॉक्सिंग क्लब में जगदीश सर के पास, तो वहाँ पे 16 किलोमीटर दूर पड़ता है वो मेरे गांव से, और ट्रेनिंग टाइम शाम को 4:30-5 ऐसे होता है, तो उस टाइम पे जाना होता था मुझे, तो मतलब उस टाइम पे सब वापसी करते हैं जो भी काम करते हैं, तो गांव में तो थोड़ा डिफिकल्ट था भाई, लड़की इतनी सब आ रहे हैं तो वो जा रही है, थोड़ा गाँव में होता है इस चीज़ का। और मेरी परफॉर्मेंस भी नहीं थी उस टाइम पे जब मैंने खेलना स्टार्ट किया, तो 2-3 साल तो लग ही जाते हैं किसी भी लेवल तक जाने के लिए, तो वो उस टाइम पे ये भी नहीं था, तो मतलब थोड़ा ये फील हुआ कि भाई ऐसे ही जा रही है लड़की, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, मतलब घूम के आ जाती भिवानी तक, तो वो बात भी बहुत फील होती थी कि तो फिर मैंने पापा से बात की, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, तो मेरे साथ वो विदाउट पे ही हो गए थे उस टाइम पे, तो मेरे साथ जाना, मैं ट्रेनिंग करती रहती हूँ, बाहर खड़े रहते थे, इस चीज़ का भी बहुत दुख होता था। एक तो विदाउट पे हैं, मतलब मेरे 2 भाई बहन हो रहे हैं, तो उनको भी संभालना, और वो मेरे ऊपर ही पूरा फोकस है उनका, और एक ट्रेनिंग में चाहे धूप हो, गर्म कुछ भी हो, गर्मी ठंड सब बाहर ही रहते थे, वो खड़े रहते थे, ये बात भी बहुत चुभती थी मुझे कि मैं अंदर ट्रेनिंग कर रही हूँ, वो मेरे लिए वेट करते रहते जब तक मैं ट्रेनिंग करती थी, तो आज बहुत खुशी हो रही है ये मेडल जीत कर, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। और कहीं ना कहीं इस गोल्ड मेडल को जीत कर आपने अपने पापा को जो है खुश होने का मौका दिया है, वो सारी चीज़ें जो उन्होंने की आपके साथ ट्रेनिंग में खड़े रहे, धूप में, बारिश में, हर वक्त, कहीं ना कहीं ये उसका आप कहेंगे कि ये उन्हीं के लिए है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है अभी।
मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप।